सत्य खबर, सत्य सटीक बेबार। सीएए को लेकर भाजपा द्वारा देश भर में जन जागरण अभियान शुरू कर दिया गया है। इसकी शुरुआत भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा की गई। अब इसी कड़ी में देश भर में भाजपा के छोटे बड़े सभी नेताओं द्वारा लोगों को सीएए की जानकारी दी जा रही है। दिल्ली की मोती नगर विधानसभा में जन जागरण का बीड़ा भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग ने उठाया है। तरुण चुग ने घर घर जाकर लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी दी है। तरुण चुग ने मोती नगर में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस कानून से देश में किसी की नागरिकता नहीं जा रही, बल्कि देश को घुसपैठियों से बचाने की मुहिम है। वहीं इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान में रह रहे सिखों के लिए भी कहा कि भारत में उनका स्वागत है, भारत सिखों का पिता है और उनके ऊपर किसी प्रकार की मुसीबत नहीं आने दी जाएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदू और सिख रहे, उन्हों का कोई माई बाप नहीं। हिंदुस्तान है उन्हों का माई बाप, जन्मभूमि है और हिंदुस्तान उन्होंने निमंत्रण रखेगा। हर मन हटे गेट खुले रहेंगे। अगर अत्याचार होगा उसमें अत्याचार के खिलाफ इंटरनेशनली भी खड़े होंगे और उन आप भैन भरावान जिन्होंने 2014 तो पहले हिंदुस्तान की शरण ली है, उन्होंने शरणार्थियों असि नागरिकता भी देंगे। इन्हें तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से भाजपा ने अब सीएए को लेकर बड़ा जन जागरण चलाया है, उसके बाद क्या नतीजे आते हैं देखने वाली बात होगी। दिल्ली से सत्यदेव शर्मा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।